रिलेशनशिप इस कॉन्टेक्स्ट में व्हेन वी आर डीलिंग विद द पीपल रिमेंबर वन थिंग दैट रीडायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट और रीडायरेक्ट करने के लिए हमें कुछ स्ट्रेटजीज कुछ टैक्टिक्स उनका सहारा वो लेना होगा फॉर एग्जाम्पल हम अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं हम डिस्कशन टॉपिक को चेंज कर सकते हैं हम उस माहौल को तब्दील कर सकते हैं कि जिसमें हम निगोसिएशन या हम डिसीजन मेकिंग वो कर रहे थे बिकॉज इलाके के बदल जाने से जगह के बदल जाने से और सर्कमस्टांसिस के बदल जाने से आपकी निगोसिएशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आप एक चेंज के साथ वहां पर बेहतर क्रिएटिविटी और इनोवेशन के साथ आपस में निगोसिएशन वो कर सकते हो रिमेंबर अनदर थिंग समाइम्स अगर आपको यह लगे कि द हीट इज क्रिएटेड और अगर आपको यह लगे कि यू आर नॉट एबल टू कम अपट निगोसिएशन और दूसरा पर्सन जो है वो रिएक्शनरी हो रहा है तो उस वक्त यू कैन चेंज द टॉपिक आप किसी और तबसरे के ऊपर बात शुरू करें आप किसी और डिस्कशन को इन्वॉल्व करें आप अपने टॉपिक ऑफ़ डिस्कशन उस हीटिंग पॉइंट को चेंज कर दें, ताकि आपकी तवज्जो कुछ देर के लिए उस पॉइंट से हट जाए ताकि उसका मेन मकसद हमारा क्या होगा कि द अदर पर्सन इज एबल टू टेक अ पॉज द अदर पर्सन इज एबल टू रिलैक्स और फिर हम दोबारा से अपनी नेगोशिएशन को वो शुरू कर सकते हैं

और उस रिलैक्सेशन से हम बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये चाहते हैं कि वो उस निगोसिएशन को पॉजिटिवली पिक करे और वो उस हीट ऑफ जो डायलॉग है उस हीट ऑफ जो डिस्कशन है माइंड डज नॉट नो तो बाजुकात हमें दूसरों को बताना भी पड़ता है कि वट एक्चुअली इज द थिंग अपॉन विच वी आर निगोशिएटिंग एंड बार्गेनिंग वट आर द आउटकम्स वट आर द ऑब्जेक्टिविटीज वट आर द सब्जेक्टिविटीज सो इन तमाम चीजों को एक्सप्लेन करना अलेबोरेट करना रिडायरेक्ट डिर, करना अपने काउंटर पार्ट के साथ दैट इज इंपॉर्टेंट नाउ जब हम रिडायरेक्शन कर रहे हैं तो उस रिडायरेक्शन में देर आर फ्यू थिंग्स इन्वॉल्व नंबर वन म्यूचुअल इंट्रस्ट की जो चीजें हैं उनको लेकर आइए ताकि हमारी डिस्कशन जो है वो पॉजिटिवली डेवेलप कर सके अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर कोई पॉइंट ऑफ कंफ्लिक्ट भी है तो उस पॉइंट ऑफ कंफ्लिक को बड़े नॉर्मलाइज और न्यूट्रलाइज वे में आप प्रेजेंट करें बड़ा कैजुअली आप इजहार करें कि इफ इज एनी टेंशन गोइंग ऑन बिकॉज अगर आपने उस टेंशन का डेमोन्स्ट्रेशन पेश कर दिया अगर आपने उस एंग्जाइटी को शो कर दिया तो ऑब्वियसली द अदर पर्सन माइट बी हैविंग द पार ओवर यू सो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम किन चीजों को एक्सप्रेस किस अंदाज में वो कर रहे हैं रिमेंबर कि इस रीडायरेक्शन के करने से दे वुड बी ऑलवेज ए चांस वुड बी बिट रिलैक्सड और उस रिलैक्स रूटीन के अंदर दे एबल टू नेगोशियेट विद यू इन ए मोर पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर सो हमें नेगेटिव इमोशंस को नेगेटिव एनर्जीज को वो दूर करना है और पॉजिटिविटीज क्रिएटिविटी को ब्रुवे कार लेकर आना है डियर स्टूडेंट अगर हम सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखें रीडायरेक्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जिससे कि जिस के आप नेगेटिव एनर्जीज को डाइवर्ट कर सकते हो टुवर्ड्स पॉजिटिविटीज जिससे कि हम ड्यूरिंग द नेगोशिएशन अपने काउंटर पार्ट के साथ कुछ टाइम भी विन कर सकते हैं और म्यूचुअल इंटरेस्ट भी वो क्रिएट कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली ऑफ अस वांट टू हैव विन विन सिचुएशन थैंक यू